Once again, good morning, fourth class. How are you? So it's time to start your English grammar class. So open your books. Page number 63, chapter number 5, countable and uncountable nouns. ठीक है students? So let's start. Common nouns are either countable or uncountable. So, क्या है बेटा कॉमन नाउन्स. ठीक है, कॉमन नाउन्स आपको पता है क्या होते हैं बेटा? ऐसे वर्ड्स जो कॉमनली जो है सबके लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक बॉय, गर्ल, मैन, वूमेन, चाइल्ड, बेबी, डॉक्टर, टीचर. ठीक है, ये कॉमन नाउन्स हैं. ठीक है, तो ये जो कॉमन नाउन्स हैं इसमें कहा गया कि ये जो कॉमन नाउन है बेटा वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. तो काउंटेबल पता है ना बेटा, जिनको हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, उसको हम अनकाउंटेबल कहेंगे. तो काउंट जो कॉमन नाउन है बेटा वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. ठीक है, अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग. ठीक है, जो काउंटेबल नाउन है बेटा वो किसी चीज़ का भी नेम हो सकता है, दैट कैन बी काउंटेड, जो कि काउंट किया जा सकता है. ठीक है, काउंटेबल नाउन जो है बेटा वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम का मतलब है वो किसी इंसान, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह, कोई चीज़ या फिर कोई एनिमल. ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक, कैट, बास्केट, किंग, टीचर. ठीक है, तो क्या है बेटा, बुक भी जो है, ठीक है, कॉमन नाउन है. ठीक है, तो ये क्या है, बुक को भी हम काउंट कर सकते हैं, कैट भी काउंट हो सकती है, बास्केट भी काउंट हो सकती है, किंग भी काउंट हो सकता है. ठीक है, सो टीचर भी क्या है, काउंट हो सकते हैं. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स जो हैं बेटा, ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स बेटा कौन से होते हैं? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स बेटा वो होते हैं. ठीक है, ये किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन जो है. ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर, सैंड, राइस. ठीक है बेटा, हम वाटर को जो है हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, शुगर, सैंड, राइस, हम इनको भी काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स टेक ए, एन एंड मैनी बिफोर देम. सो बेटा, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके आगे जो है हम ए का यूज़ भी कर सकते हैं, एन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और मैनी भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल्स देखिए ज़रा, अ लॉयन, एन आउल, मैनी पपीज. तो यहाँ पर क्या है बेटा, लॉयन, लॉयन के आगे ए लगा है, वो सिंगुलर है. ठीक है, एन आउल इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर. ठीक है, मैनी पपीज. ठीक है, मैनी पपीज जो है, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि पपीज जो है, ठीक है, तो पपीज़ जो है, ठीक है, प्लूरल है. ठीक है, यहाँ पर आई ई एस लगा हुआ है और मैनी भी लगा हुआ है. ठीक है, तो कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है. ठीक है, बट जो पपीज़ हैं, ठीक है, वो कितने भी हों बट उनको काउंट किया जा सकता है. ठीक है, काउंटेबल नाउन ऑल्सो टेक फ्यू, अ फ्यू एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बिफोर देम. तो क्या है बेटा, काउंटेबल नाउन्स के आगे जो है हम और क्या ऐड कर सकते हैं, हम फ्यू भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्यू गर्ल्स, अ फ्यू कार्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लासेस. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक लिटिल, लिटिल मच, लिटिल मच, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बिफोर देम. ठीक है, बट जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके आगे जो है हम ए, एन नहीं लगाते, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं बेटा, लिटल
ठीक है, लिटल शुगर, मच वाटर, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड. नेक्स्ट वन इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सम एंड अ लॉट ऑफ बिफोर देम. ठीक है, जो बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं बेटा, उनके आगे जो हैं ये कॉमन वर्ड्स हैं जो दोनों के साथ यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, सम बुक्स, सम शुगर, अ लॉट ऑफ पेंसिल्स एंड अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, यानी कि सम, अ लॉट ऑफ. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं बेटा ये जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो ये था आपका आज का टॉपिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये कंप्लीट हो गया है. सो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप अपनी बुक और नोटबुक में कीजिए. ठीक है, और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए. थैंक यू क्लास, बाय बाय, थैंक यू फॉर द क्लास.